नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक नया शो चिराग का दिन। ये शो दरअसल अब 1 बजे रोजाना आएगा। इस शो को मैं लेकर आया हूँ। हम चाहते हैं कि आप ढेरों प्यारे शो को दें। इसमें हम ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जो आपसे जुड़ा हुआ है, ऐसे मुद्दे को जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में हम सबको पता है कि किस तरह से तख्ता पलट हो चुका है, वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया गया है और वहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अब मिडल ईस्ट का वो देश यानी कि सीरिया, जहां पर अब तख्ता पलट हो चुका है। हम सब ने देखा पिछले काफी दिनों से किस तरह से हर एक देश में तख्ता पलट होता जा रहा था, लेकिन अब स्थिति ये है कि यहां पर तख्ता पलट हुआ है। बिल्कुल, विद्रोही जो थे वो एक तरह से कहा जाए सड़कों पर आ गए, राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वहां पर उन्होंने कोहराम मचा दिया। मेरे साथ प्रवेश पांडे मौजूद है, इस लाइव में हमेशा रहेंगे। प्रवेश, बड़ी खबर है ये किस तरह से सीरिया में हुआ। सीरिया में जो असद सरकार थी, काफी समय से तानाशाह सरकार, बिल्कुल, वजह क्या रही? लोग क्यों इतने त्रस्त हुए थे इस बात से? देखिए, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा। 13 नवंबर 1970 क्या होता है कि जो अल असद थे सीरिया में, वो चीफ कमांडर थे, एयर चीफ कमांडर थे एयरफोर्स के। जब एयरफोर्स के चीफ कमांडर थे तो उन्होंने 1970 में तख्ता पलट किया, यानी इनके पिता असद के पिता, असद के पिता। तब कहा जा रहा था कि ये ना तख्ता पलट ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। बताओ क्यों? क्यों? रीजन ये था, वहां जो ये जिस पॉपुलेशन से आते हैं, ये आते हैं सिया, और सिया वहां सिर्फ 16% है, और वहां जो वर्चस्व है वो है सुन्नी, मतलब जो सबसे ज्यादा तादाद है, मतलब तादाद 67% से भी ज्यादा जो है वो है सुन्नी। अब सुन्नी वाले देश में जहाँ सुन्नी की कॉम्पिटिशन ज्यादा है, सुन्नी ज्यादा है, वहाँ एक सिया शासक, तो लोगों को स्टार्टिंग में तो लगा कि ये फेयर इनफ, बहुत इक्वल सबको ट्रीट करेंगे, लेकिन इन्होंने वहां से गड़बड़ियां शुरू कर दी। फिर इन्होंने क्या किया, हर जगह जो सिया थे उनको प्रेफरेंस देने लगे, ये नौकरी से लेके मतलब हर चीज में। तब लोगों को धीरे 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 चीजें दिखनी शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। 2000 में इनकी मौत हो जाती है, उसके बाद जो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं इनके बेटे असद, जिनको अब बुखार फेंका है। हम सबको पता है कि 2011 से सीरिया में गृहयुद्ध चल रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, वहां पर सरकार से लोग त्रस्त थे। एक संगठन खड़ा हो जाता है, अचानक से एक संगठन खड़ा हो जाता है, और यहाँ वहां जो आंदोलन चल रहा था उसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे, सरकार से त्रस्त थे। आप सोचिए कि एक शासक जो जबरदस्ती शासन कर रहा है उससे लोग त्रस्त हो गए, इस वजह से सारी ये चीजें हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रवेश, वो कौन सा संगठन था जिसने, जो विद्रोही संगठन बना और जिसने ये पूरी एक तरह से कहा जाए काबिज कर लिया? देखिए देखिए, अभी विद्रोही संगठन आया क्यों? HTS, देखिए दो, पहले ना ISI के साथ ना HTS जो है वो संगठन, जुलानी जिनके हेड है, वो कहा जाता था कि ISI का पार्ट है, लेकिन जुलानी ने एक मैसेज दिया कि हम आतंकवादी संगठन नहीं है, हम विद्रोही संगठन है, हम अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। वो तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा नेता हो जिसे लोग चुनकर लाए, ना कि जो डिक्टेटरशिप की तरह बैठा है, जिसने तख्ता पलट कर ली अपनी ताकत से उस समय पे, और उसने तख्ता पलट करके उसने लोगों से उनका चैन हराम सब कुछ छीन लिया। आपको पता है बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, ये किसी को जाने नहीं देते थे बाहर, किसी को अंदर नहीं आने देते। तो एक औरत थी, वो जब असद का परिवार था, असद के पिता जो थे, तो वो जब बॉर्डर सील हो गया था तो एक बच्चा था और एक माँ थी, जब वो बाहर नहीं निकल पा रहे तो समुद्र के रास्ते जाने लगे, तब उसकी डेड बॉडी की फोटो आई थी किनारे मिली थी, तब से ये विद्रोह बहुत ज्यादा शुरू हो गया। और चिराग जी, और ठीक ऐसा ही वाक्य हुआ था जब असद की सरकार थी, और तब भी एक बच्चे ने विद्रोह किया था। वहाँ लोग खाने के लिए मर रहे, वहाँ लोग खाने के लिए मर रहे, और उनके पर 5-10 अरब से ज्यादा पैसा है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, अगर वहाँ उस देश में गरीबी, भुखमरी है, ये सब आ चुकी है, उस देश में गृह युद्ध चल रहा है इतने सालों से, मुझे 2003 में याद है कि उस पे USA ने भी अटैक कर दिया था, तो जब गृह युद्ध चल रहा है और उस देश की हालत खराब है, तो असद परिवार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई, एक और बच्चे का रोल सामने आता है। बिल्कुल, ये बताते हैं कि ये बच्चों पर जुल्म कर रहे थे असद सरकार, और एक बच्चे ने लिख दिया था इट्स योर टर्न डॉक्टर, ये बात लिखी थी, इसी बात से खफा हो गए थे। कुर्द का एक इलाका है वहां पर, कुर्दी जिसको कहा जाता है, 14 साल के बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने लिख दी थी, और उसके बाद कई सारे बच्चों को इन्होंने किडनैप कर लिया था, उनके साथ टॉर्चर किया था, यातनाएं दी थी, यहां तक कि उनके नाखून उखाड़ लिए गए थे, करंट उनको लगाया गया था। तो इसका बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था, जो आम लोग थे वो एकदम त्रस्त हो गए थे, आम लोगों ने सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था, और ये कहा था कि क्या कर रही है असद सरकार,
बच्चों के ऊपर जुल्म कर दिया। और देखिए क्या हुआ, एक्चुअली वो बच्चों को जब अरेस्ट किया गया ना चिराग जी, तो लोगों ने ना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन बच्चों को छोड़ ही नहीं रहते। आपको पता होगा फिर ये इन्होंने तो तीन ऐसे जेल बनाए थे, जिस जेल के बारे में आप पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अभी जो कल मैंने एक वीडियो देखा वो थी सिनेट जेल। उस जेल प्रिजन की खासियत यही कि वो अंडरग्राउंड बना है और उसकी अभी तक लॉक ही नहीं मिली, डिजिटल लॉक है, उसके अभी तक लॉक की चाबी नहीं मिली और उसी में बच्चे भी निकले। कल की वीडियो में तीन बच्चों की तस्वीरें सामने आई है। तो ये सरकार जो थी, जो असद सरकार थी, ये बच्चों पे जुल्म तो ढाल ही रही थी। उस समय भी जब विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ था तो इन्होंने बच्चों को उठा के जेल में डाल दिया था, और जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि बच्चों को छोड़ दो, उनको भी नहीं बख्शा गया था। तो एक तरह से पूरी तानाशाही की भूमिका में थे पूरी तरह से। हालात ये पैदा हो गए कि जब विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बच्चों को छोड़ना पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बच्चों को छोड़कर अब जो विद्रोही है वो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके ठीक उलट हुआ, उलट ये हुआ कि विद्रोही और ज्यादा एग्रेसिव हुए क्योंकि बच्चों के साथ जुल्म किए गए थे। और उसके बाद आप सोचिए गृह युद्ध 2011 से चल रहा है और अब हालात ये आ गए कि अचानक खबर आती है कि वहां तख्ता पलट हो गया, वहां पर लोग सड़कों पर आ गए, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए और ये खूब हंगामा। ये जो शुरुआत होती है ना चिराग जी, वो होती है 22 अप्रैल 2011 में मस्जिद में नमाज होती है। नमाज के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं तो वहां से प्रदर्शन शुरू होता है, तो उग्र प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया पता है, अपने देश के लोगों पे टैंकर लगवा दिए। बताइए, मतलब वो जब दो अपने ही नागरिकों पे टैंकर लगा दिए, तो पहले जो प्रदर्शन हो रहा था वो शांतिपूर्ण हो रहा था, इन्होंने टैंकर ला दिए, सब कुछ ला दिया। यानी करप्शन नजर नहीं आ रहा, अपनी सरकार की कमियां नजर नहीं आ रही, ये नजर नहीं आ रहा कि देश में भुखमरी है, ये नजर नहीं आ रहा कि 2.5 करोड़ के छोटे से देश में ये क्या हो रहा है। इसके आसपास भी बहुत सारी गतिविधियां उस वक्त हो रही थी। क्यों सीरिया के लोग बहुत ज्यादा विद्रोही हुए, इसके पीछे जॉर्डन, इसके पीछे लेबनान, इसके पीछे टूनिशिया, ये ऐसी तमाम देश थे जो उनके आसपास देश है मिडिल ईस्ट में जहां पर विद्रोह हो रहा था और वहां पर तख्ता पलट हो रहा था। तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि जो सीरिया के लोग थे उन्होंने भी वहां से इंस्पिरेशन ली, उनको ये पता लगा कि भाई वहां अगर लोग ये कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद क्यों नहीं हो सकता, और ऐसी सरकार के खिलाफ जो कि करप्शन का साथ दे रही है, ऐसी सरकार के खिलाफ जो कि सर टिकने नहीं दे रही है, लोगों को यातना दे रही है, बच्चों को यातना दे रही है। आप सोचिए असद जो फैमिली है, आपको सराखों पर रखा जनता ने, आपका राज 50 साल से ऊपर का राज है और आपने लोगों को क्या दिया, गरीबी भुखमरी, यही वजह थी कि लोग विद्रोही हो गए। बिल्कुल चिराग जी, देखिए आपको पता है इनके देश में खाने को ठीक से वो नहीं था, लोगों के पास दो टाइम का अनाज नहीं था, लेकिन ये क्या कर रहे थे पता है, ड्रग्स की उगाई। अब हम उस चीज के बारे में बात करेंगे कि असद की काली कमाई आती कहाँ से थी। जब देश भुखमरी से जूझ रहा था तो इनके पास लेविश गाड़ियां थी। आप गाड़ियों का काफिला देख लोगे ना इनको तो बोलोगे कि इतनी गाड़ियां तो अंबानी के पास भी नहीं है, इतनी गाड़ियां थी, मतलब एक जो देश का शासक है उसके पास इतनी लग्जरी लाइफ। वो पैसा आता कहाँ से था, वो पैसा आता था एकमात्र ड्रग से जिस गोली का नाम था कैप्टा वन। चिराग जी ये जो कैप्टा वन है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ड्रग है, अगर ये ड्रग्स की लत लग गई किसी को तो ये छूटने वाली नहीं। आपको पता है हिजबुल्ला, जब हिजबुल्ला जो संगठन है जब वो लड़ाई कर रहे थे उसके सैनिक खा रहे थे, मतलब उससे भूख नहीं लगेगी, आप समझ लीजिए इस तरह का ड्रग्स है कि आदमी अपने होश में नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में सीरिया का किस तरह से अब क्या होगा, तख्ता पलट के बाद वहाँ क्या इकोनॉमी में सुधार होगा, वहाँ सरकार अब ढंग से काम करेगी, प्रधानमंत्री सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए रूस में। रूस क्यों भागे इसके पीछे भी कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस ने मदद की है सीरिया की। अब ऐसे में सीरिया का भविष्य क्या होगा, वहाँ के लोगों का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सीरिया क्यों, एक हम लोग ये भी जानना चाहेंगे प्रवेश, कि सीरिया क्यों पॉपुलर है, क्यों सीरिया का नाम हमेशा। मैं और दो चीज कहना चाहूंगा, अब लोग सोच रहे होंगे कि सीरिया से भारत का क्या लेना था। देखिए हमारे जो तेल की निर्यात है, हम जो तेल लेते हैं, तो जो तेल लेते हैं उसमें सीरिया का बड़ा अहम रोल है। अगर सीरिया में कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो तेल का दाम तुरंत बढ़ जाता है, तो वो हमारे लिए घातक है, भारत के लिए घातक है। हालांकि और देश भी तेल का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्शन जो है अभी सीरिया से हो रहा था, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज देखनी पड़ती है। इसलिए सीरिया पे सबकी नजर इसलिए होती है कि ये सब जो देश है ना, अरब देश जहाँ ये सब जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट वाले जो कंट्रीज हैं, यहाँ ना तेल की आयात सबसे ज्यादा है चिराग जी। और अगर वहाँ से तेल आ रहा है और वो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि सीरिया में हालात नॉर्मल हो गए, अब तानाशाह को एक तरह से कहा जाए कि वहां से हटा दिया गया है, तख्ता पलट कर दिया गया है, वहां पर अब सरकार आम जनता की होगी। आम जनता की सरकार किस तरह से चलेगी ये तो वक्त बताएगा, क्या लोगों का इसको सपोर्ट है या नहीं ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चंद लोग विद्रोह कर देते हैं और उसके बाद
विद्रोह के बाद बेशक वो सत्ता पलट कर देते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है जनता उनके साथ ही नहीं। क्या आने वाले वक्त में सीरिया की जनता विद्रोहियों के साथ होगी? क्या इस आंदोलन का रूप बनेगी? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी न सिर्फ भारत बल्कि हर एक देश पैनी निगाह गड़ाए हुए हैं ताकि सच का पता चल सके और सच सामने आ सके। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, चिराग का जिन शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये शो अब लगातार आएगा दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे 1 बजे ये शो हम इसका जो है वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे, एकदम ऐसे मुद्दे उठाकर लाएंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दे जिनसे आपका सरोकार है। तो हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।